वेलकम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट साइंस ऑफ क्लास 9th चैप्टर 8 मोशन। एंड टुडे इट्स अ लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। हियर आर सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वी हैव टू डिस्कस एंड देन आफ्टर वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स एंड देन दिस लीड टू फिनिश दिस चैप्टर। सो लेट्स बिगन द टॉपिक। तो आवर टॉपिक फॉर टुडे इज सर्कुलर मोशन। सो गाइज, वॉट इज दिस सर्कुलर मोशन? हाउ यू विल डिफाइन दिस? सो सर्कुलर मोशन ऑफ अ बॉडी आर मोशन ऑफ अ पार्टिकल एलॉन्ग सम सर्कुलर पाथ। मतलब कोई अगर बॉडी एक सर्कल के चारों तरफ मूव करेगी, एक सर्कुलर रास्ते पर चलेगी, तो उसकी मोशन को क्या नाम देंगे? सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन एक तरह का पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि वो आफ्टर अ रेगुलर टाइम इंटरवल, जो उसका टाइम पीरियड होगा उस पर वो अपने आप को रिपीट करेगी। तो इट्स अ पीरियोडिक मोशन। सर्कुलर मोशन एक तरह की क्या है? पीरियोडिक मोशन है। रेगुलर टाइम इंटरवल पर ये अपनी मोशन को क्या करेगी? रिपीट करेगी। ओके, एंड अब ये सर्कुलर मोशन यहाँ दो तरह की है, और उन दो तरह में एक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं? तो देखिए, सर्कुलर मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच स्पीड ऑफ द बॉडी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। स्पीड कॉन्स्टेंट रहती है, तो स्पीड ऑफ बॉडी अगर कॉन्स्टेंट रहती है तो उसको क्या नाम देते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका एग्जाम्पल है मोशन ऑफ मोशन इन हॉरिजॉन्टल सर्कल। मतलब कोई बॉडी अगर हम एक जो है स्टोन को जो है एक स्ट्रिंग में बांधें और उसको ऐसे हॉरिजॉन्टली घुमाएं, तो देखेंगे वी विल सी इट्स अ एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर हम उसको ऐसे वर्टिकल सर्कल में घुमाएं तो वो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। देखिए, हॉरिजॉन्टल वाला बिना फोर्स लगाए भी घूम सकता है। एक बार लगा के आप छोड़ दीजिए, वो घूमता रहेगा। लेकिन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा कि हमें बार बार जो है पुशअप करना होगा, तब वो जो है ग्रेविटी को बीट करके ऊपर जाएगा। तो मींस नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जहां स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती, वेयर स्पीड इज़ नॉट कांस्टेंट। और इस तरह की मोशन को हम लोग क्या नाम देते हैं? इसका एग्जांपल है वर्टिकल सर्कल, मोशन इन वर्टिकल सर्कल। तो ये एक तरह का नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। होप यू आर अंडरस्टूड। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इट्स एन एक्सेलरेशन विच ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर बॉडी ऑन द बॉडी विच इज़ डू परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। मतलब जो बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही होती है उस पर एक तरह का बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सेलरेशन लगता है, जो हमेशा एक पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड रहता है। मोशन ऐसे घूमते, पार्टिकल ऐसे घूमता रहता है, ये जो है तो उसके सेंटर की तरफ जो है ऑलवेज डायरेक्टेड होता है। और इसकी वैल्यू कितना होती है? वी स्क्वायर अपॉन आर, जहाँ v क्या है? स्पीड ऑफ द पार्टिकल एंड r इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। r इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ac की वैल्यू हम लोगों ने निकाला कितना है? v स्क्वायर अपॉन r। और ये बात देखा कि ये ऑलवेज डायरेक्टेड है किधर? टुवर्ड सेंटर। ये सेंटर की तरफ हमेशा डायरेक्टेड होता है। अब देखिए, जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो अब बॉडी का कुछ मास होगा। अगर मास में एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, या यूं कहें ये एक्सेलरेशन आया कहाँ से होगा, तो ये आया होगा सेंट्रीपिटल फोर्स से। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? तो देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ अ एम वी स्क्वायर अपॉन आर। बिल्कुल वैसे ही एक फोर्स है जो कि सर्कुलर मोशन में काम करता है। सर्कुलर मोशन जब कोई बॉडी करती है तो उसमें आता है, और ये ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। और यही वो फोर्स है जो इस पार्टिकल को सेंटर पे बांध कर रखता है। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स देयर विल बी नो सर्कुलर मोशन। इवन वीक सेंट्रीपिटल फोर्स होगा तो भी सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि यही वो फोर्स है जो इस सर्कल के चारों तरफ इस पार्टिकल को बाउंडेड रखता है। होप यू आर अंडरस्टूड। तो अब आते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहाँ पर एक तरह का और इम्पॉर्टेंट टर्म है जैसी से मिलता जुलता, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। देखिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? ये मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम इसी के इक्वल होता है, बस यह है कि इट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। ये बॉडी पे लगता है, और बॉडी पर ये एक तरह का सेडो फोर्स है, नॉन रियल फोर्स है, और ये बॉडी पर लगता है
अवे फ्रॉम द सेंटर, मीन्स मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, सेंटीपिटल फोर्स के इक्वल है, जितना सेंटीपिटल फोर्स लगेगा एग्जैक्टली उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, लेकिन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सेंटीपिटल फोर्स। अब ये दो फोर्सेस क्या होते हैं, इनमें थोड़ा डिफरेंस हम लोग स्टडी कर लेते हैं क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है और बहुत कई टाइम्स ये पूछा गया है। तो देखिए ये सेंटीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, देखिए ये फार्मूला इसका भी यही है और इसका भी यही है, तो फार्मूले में कोई दिक्कत नहीं, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है। अब फार्मूले से हमें क्या मिलता है, मैग्नीट्यूड मिलता है। अब यूं कहें अगर इसको पॉजिटिव कह दें तो इसको निगेटिव, अगर इसको पॉजिटिव तो इसको निगेटिव कह देंगे। ये टुवर्ड सेंटर काम करता है, सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, और जबकि ये क्या है, अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से दूर भागता है, सेंटर से अवे काम करता है। देखिए ये एक रियल फोर्स है जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट करता है क्योंकि इसके बिना सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है, जबकि ये जो है नॉन रियल या सेडो फोर्स है। और इसको जो है ना एक्सप्लेन करने के लिए, कुछ कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए लाया गया है। अब इसको, इसकी रियलिटी को, इसको डिटेल में हम लोग समझेंगे, इसके लिए मैं एक एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूँ। देखिए ये कोई डिस्क है, ये डिस्क है और ये डिस्क रोटेट कर रही है, और यहाँ पर हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट हैं ए बी एंड सी। दो ऑब्जेक्ट उसी डिस्क के ऊपर हैं और डिस्क के साथ रोटेट कर रहे हैं, और जबकि सी ऑब्जेक्ट बाहर है, सी ऑब्जेक्ट बाहर है। अब इस ए ऑब्जेक्ट को पहले सी देखता है और फिर उसके बाद बी देखता है। तो जब ये डिस्क रोटेट कर रही है, ये सी जो है ए को देखता है, तो क्या कहता है, सी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जर्वेशन ऑफ सी। अब देखिए सी क्या कह रहा है कि ए जो है क्या कर रहा है, मोशन में है, और वो भी कैसे, सर्कुलर मोशन में है। तो सर्कुलर मोशन में है तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा, कहाँ की तरफ, सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा, सेंट्रिपिटल फोर्स, ये सी की ऑब्जर्वेशन रही। अब आते हैं बी की बारी है, बी जब इसको देखता है तो कहता है अरे ए इज इन रेस्ट, बिकॉज ये दोनों सेम डिस्क पर हैं और दोनों रोटेट कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम और तुम अर्थ पर हो, दोनों लोग अर्थ पर हैं, लेकिन जो है अर्थ रोटेट कर रही है, तो हम लोगों को पता नहीं चल रहा है कि हम लोग मोशन में हैं, बट रियलिटी यही है कि मोशन में है हम लोग। कोई अगर अर्थ से बाहर जाके, अर्थ से 100 किलोमीटर दूर जाए या दो किलोमीटर बाहर निकले और वहाँ से देखेगा तो वी विल सी द रोटेशन ऑफ, वी कैन फील द रोटेशन ऑफ अर्थ, ओके। तो अब ये बी जो है क्या करेगा, बी इसको देखता है, कहता है अरे ये तो रेस्ट में है, लेकिन ए सी की ऑब्जर्वेशन इसके पास है, तो इसने कहा कि सी ने तो कहा था कि इस पर लग रहा है सेंटर की तरफ फोर्स, मतलब यहाँ सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है इस पर, इसने कहा था, और कहा था कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसी की वजह से तो ये ऐसे घूम रहा है, लेकिन ये कहा कि ये रेस्ट में है। तो इसने अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए कहा कि इस पर ये फोर्स तो लग रहा है जो सी ने बताया, यहाँ पर एक और फोर्स लग रहा है जो मेरी वजह से लग रहा है, क्योंकि मैं इसी फ्रेम पर, मैं इसी पर हूँ जहाँ पर ये डिस्क है और ये इसके साथ मैं भी मोशन में हूँ, तो इसलिए इस पर एक और फोर्स लग रहा है जो कि क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो लग रहा है, और वो अवे टू द सेंटर है, सो दैट कि इन दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया, और इसलिए ये बी कह रहा है, इसलिए ये ए मुझे रेस्ट में दिखाई दे रहा है, इसलिए ये ए मुझे रेस्ट में दिखाई दे रहा है। तो होप यू आर अंडरस्टूड, ये इस तरीके का सेंटीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक्सप्लेनेशन आपको कैसे लगा, कमेंट में ज़रूर बताइए। होप यू आर अंडरस्टूड कि कैसे ये बात है। ये तो ये बी ने अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए, अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंसेप्ट लाया। होप यू आर अंडरस्टूड। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स कम अप टू द सम न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ पर फर्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं, तो मैं न्यूमेरिकल पढ़ता हूँ, क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, और आप लोग ध्यान से देखेंगे और इसको समझेंगे। यहाँ पर दिया है कि अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक बॉडी है जो रेस्ट में स्टार्ट करता है। अब यहाँ पर बॉडी है रेस्ट में स्टार्ट करता है, मीन्स इनिशियल स्पीड जीरो है। तो गाइस जैसे देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसे ही आपको भी ट्राई करना है।
देखिए क्या बोला जा रहा है, अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ट्रेवल विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स रेस्ट में स्टार्ट होती है, मतलब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब ए तो है लेकिन वो क्या है, कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ए कांस्टेंट है। इफ़ इट ट्रेवल्स 100 मीटर इन 5 सेकेंड, मतलब कितना ट्रेवल करती है, 100 मीटर, टाइम कितना लेती है, 5 सेकेंड। What is the value of acceleration? तो बताइए, कह रहे हैं कि ये acceleration की value क्या है। तो अब देखिए, ये हमारे पास equation of motion तीन है, v this is equal to u plus at, s this is equal to ut plus half at square and v square this is equal to u square plus 2as। तो अब इन equation को ध्यान में रखना है और ध्यान से सोचना है। देखिए u हमें दिया हुआ है, s हमें दिया हुआ है, t दिया है और क्या पूछ रहा है, a। देखिए हर equation में चार quantities हैं, तो तीन अगर दिया हो तो एक निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से सोच कर बताइए कि हमें कौन सा equation लगाने की ज़रूरत है। तो क्या हमें second equation लगाने की ज़रूरत है? यस। देखिए second equation, s this is equal to ut plus half at square। तो देखिए s की वैल्यू कितना है, 100, u कितना है 0 इंटू ये है 5 प्लस 1/2 इंटू a इंटू 5 इंटू 5। तो फाइनली हम लोग ये देखते हैं, ये तो 0 हो गया और यहाँ से ये हुआ 25/2। तो a दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू 2 अपॉन 25, 25 वन जा 25 फोर जा, 4 टू जा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर। आइए चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो होप गाइज यू आर अंडरस्टूड। आइए देखते हैं, अ बस वॉज मूविंग विद अ स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर। तो एक बस है जो कि मूव कर रही है। अब इनिशियली बता रहा है, ये इनिशियल स्टेज में कितना, 54 किलोमीटर पर आवर इससे चल रही है। ऑन अप्लाइंग ब्रेक इट स्टॉप्स इन 10 सेकेंड, t इक्वल टू 8 सेकेंड में ये क्या है, ब्रेक लगाने पर रुकती है। कैलकुलेट एक्सेलरेशन। अब देखिए रुक जाती है मतलब फाइनल पोजीशन इसकी क्या हो गई है, v इक्वल टू क्या, 0। तो ये ब्रेक लगाया मतलब आपने एक नेगेटिव एक्सेलरेशन लगाया है। तो अब यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आएगी, उसके लिए आपको जो फिगर करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप आ जाएगा, बस यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो अब देखिए क्या है, u दिया है इतना, v दिया है इतना, टाइम दिया है इतना और एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है। तो अब यहाँ ध्यान ये रखना है कि देखिए ये किलोमीटर पर आवर में है, ये सेकंड में है, तो या तो इसको आवर में बना लीजिए या इसको मीटर पर सेकंड में बना लीजिए। और कन्वर्जन मैंने बहुत ही आराम से आप लोगों को बता रखा है कि कन्वर्जन कैसे करना है। तो सबसे पहले कन्वर्जन कर लेते हैं। देखिए u इज इक्वल टू 54 किलोमीटर 5/18 ना इंटू ये हुआ मीटर पर सेकेंड, तो 18 वन जा 18 थ्री जा, तो 5 थ्री जा 15 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है, इनिशियल स्पीड। और फाइनल तो 0 है। अब बताइए कौन सा इक्वेशन लगाएं। तो क्या फर्स्ट इक्वेशन लगाना चाहिए? यस, फर्स्ट इक्वेशन v दिस इज इक्वल टू u प्लस at। तो अब देखिए v की वैल्यू हो गई 0, ये इसकी वैल्यू कितना हुई 15, प्लस a की वैल्यू निकालना है इंटू t की वैल्यू कितना है 8, t की वैल्यू कितना है 8। तो फाइनली हम लोग a दिस इज इक्वल टू क्या पहुँचेंगे, माइनस 15 अपॉन 8। डिवाइड कर लें इसको, तो ये हुआ माइनस 8 वन जा 8 पॉइंट 7 बच गया 0, 70। अब इसको डिवाइड करेंगे 70, तो 70 को डिवाइड करेंगे, ये मैं 15 को 8 से डिवाइड कर ले रहा हूँ, यहाँ 8 वन जा 8 ये हो गया 7 और ये रहा पॉइंट, ये रहा 0। फिर इसके बाद 8 8 जा 64 ये हो गया और आया 6, फिर 0, 8 7 जा 56 फिर आया कितना 4, 0, 8 5 जा 40। तो ये पूरा फाइनली कितना आया, 1.875 मीटर पर सेकेंड। होप गाइज यू आर अंडरस्टूड कि कैसे मैंने ये क्वेश्चंस किए हैं। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन थर्ड यहाँ पर देखिए क्या है कि बोला जा रहा है, अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड
एक ट्रेन है जो चल रही है कितने से, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। अब इनिशियल वेलोसिटी है दिया है, एक्सेलरेट्स एट, तो यहाँ एक्सेलरेशन लगता है कितने का, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, फॉर 30 सेकेंड। कितने टाइम के लिए, 30 सेकेंड के लिए, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड के लिए ये एक्सेलरेशन लगता है। हाउ फॉर इट विल ट्रेवल इन दिस टाइम, कह रहा है कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर लेगी। और हम यहाँ पर पूछ लेते हैं कि बताइए फाइनल वेलोसिटी कितना होगी। उसने क्वेश्चन में तो सिर्फ इतना ही पूछा है कि बताइए कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर लिया इस ड्यूरेशन में, जबकि हम क्या पूछ ले रहे हैं कि बताइए फाइनल वेलोसिटी कितना होगी। तो पहले ये जो क्वेश्चन में पूछा है इसको देखते हैं और फिर इसको भी देखेंगे। तो बताइए यहाँ पर क्या क्या दिया है, यू इज इक्वल टू 20, एक्सेलरेशन दिया है 0.5, टाइम दिया है 30, तो ये तीन क्वांटिटी दिया है, चौथी क्वांटिटी ये हमसे पूछा जा रहा है। तो बताइए कौन सा इक्वेशन लगा सकते हैं, तो क्या हम लोग फर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन लगा सकते हैं क्या? यस वी कैन अप्लाई सेकेंड इक्वेशन। सी एस दिस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये हुआ यू की वैल्यू 20 इंटू टी की वैल्यू कितना है 30, प्लस इधर 1/2 इंटू ये इधर हुआ 0.5 इंटू 30, 30 इंटू 30 ए टी स्क्वायर। तो अब देखिए ये कितना हुआ, 3 2 6, 600 प्लस, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो पहले ये हो जाएगा 2 से इसको कट करते हैं, तो 2 15 जा 2 15 जा 15, 5 जा 75, देखिए ये 15 5 जा 75 होगा, और ये एक जीरो से इसका एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। तो फाइनली 75 का 3 से मल्टीप्लाई करना है बस, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 का 5 कैरी हो गया, कैरी हो गया 1, 3 7 जा 20 1 22 22, तो यह हुआ 2 2 5, इनको आपस में ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 825 आंसर, इतना मीटर। तो ये तो रहा, ये ऐसे ही अगर हमें फाइनल वेलोसिटी पता करना है तो देखिए वी दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू प्लस ए टी, अब ये यू की वैल्यू दिया है 20 प्लस इसकी वैल्यू कितना है 0.5 इंटू ये इसकी वैल्यू कितना है 30, अब यहाँ ये हो गया 20 प्लस, अब ये कितना होगा 5 3 जा 15, ये एक डेसिमल से जीरो तो कट गया तो आया 15, तो फाइनली हो गया कितना 35 मीटर पर सेकेंड। तो जितना क्वांटिटीज जो भी रहेगा हम यहाँ से फाइनली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गाइज होप यू आर अंडरस्टूड अबाउट ऑल दीज थिंग कि कैसे मैं यहाँ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ। तो गाइज कहीं पर भी आपके बुक में जो भी क्वेश्चंस हैं उनको क्या करना है, पहले ध्यान से पढ़ना है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को पढ़ करने के लिए कुछ टिप्स मैं देना चाहूँगा कि पहले आप क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे, रीड करने के बाद एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, दो बार पढ़िए, तीन बार पढ़िए, जब क्वेश्चन अंडरस्टूड हो जाए तो आप ये फाइंड आउट करिए कि व्हाट इज़ गिवन इन दिस क्वेश्चन, और उसको राइट करिए जितना जल्दी हो सके, उसको राइट करिए कि हाँ मुझे इनिशियल स्पीड दिया है, मुझे एक्सेलरेशन दिया है, मुझे फोर्स दिया हुआ है। जब ये चीज़ पता चल जाए तो फिर उसमें क्वेश्चन में ये फाइंड आउट करिए कि व्हाट इज़ आस्किंग इन दिस क्वेश्चन, क्या पूछा जा रहा है। पहले गिवन देखना है व्हाट इज़ गिवन इन दिस क्वेश्चन, फिर उसके बाद क्या क्या मेंशन करना है, व्हाट इज़ आस्किंग इन दिस क्वेश्चन, क्या पूछा जा रहा है। और जब गिवन और आस्किंग हो गया तो अब अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि जो पूछा जा रहा है क्या उसके लिए मेरे पास कोई फॉर्मूला है, क्या मेरे पास कोई इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसको अप्लाई करके मैं ये पूछे गए ग्रेडियंट को फाइंड कर सकता हूँ। तो गाइज अगर आप ये लोग ये स्टेप फॉलो करेंगे तो ज़रूर आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। होप यू आर अंडरस्टूड अबाउट ईच एंड एवरी पॉइंट। Thanks for watching.